बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह की बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान है हम करने वाला है जी। भी बस इस दुआ के साथ जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ और ईमान में रहें। आज का दिन आगाज़ करते हैं जनाब आज के ब्लॉग का। सुबह पराठे बनाए हैं जी आलू के, अभी चाय नाश्ता बच्चों को करा रहे हैं और इसके बाद ये जाएंगे स्कूल, फिर हम करेंगे जी अपना रूटीन वर्क। तो खोलो इसको, आलू के हैं खोलना क्या है। आलू के पराठे हैं विद हरा मसाला, इस टका के मैंने डाला है सबज धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बस तो जनाब नाश्ता आलू के पराठे बना के बच्चों को दे के अब मैं कपड़े सारे धो रही हूँ। एक पूर मैंने निकाल लिया बाल्टी में और सेकंड में अब डालूँगी और साथ साथ कपड़े डाल के तो फिर मैं करूँगी जी सफाई घर की, तो साथ साथ ही शेयर करेंगे इंशाल्लाह आपसे जी। बिस्मिल्लाह जी सबकों, ये सारे काम मेरे हो गए कंप्लीट कर लिए हैं और कपड़े भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे धुल गए। साथ साथ ही मैंने सफाइयाँ कर ली थी घर की और साथ ही मैंने वॉशिंग लगा लिया था, तो ये सारे मेरे धुल गए हैं। और पकाना मैंने क्या जी आज तो देखें जी बनाऊंगी जी आलू, जल्दी से छील के रख लिए हैं स्लैब पे और ये है मेरे पास फलियाँ जो धो के मैंने वॉश करके रखी हैं, अभी मैं ये बनाऊँगी। और ये जनाब मैंने कपड़े सारे धो के ऊपर फैला दिए और जनाब देखें जी बादल बने हुए हैं ऊपर, मशीन लगाई है तो बादल बन गए हैं दोबारा, देखिए बारिश आती है नहीं। बिस्मिल्लाह ये जनाब मैं लहसुन अदरक ज़ीरा और काली मिर्ची पीस रही हूँ और ये आलू मैंने कटिंग कर लिए हैं फलियों में, टमाटर भी कटिंग कर लिए, हरी मिर्ची भी और प्याज मैंने जनाब ऊपर रख लिया है। और ये है जनाब साग जो मैंने बर्तनों में निकाली अभी है, तो बाकी मैं इनके पीस बना के फिर इनको शॉपरों में डाल के फिर फ्रीज़ करूँगी, जब इनके बॉक्स बन जाएंगे ना फिर इनको निकाल लूँगी फिर शॉपर में डाल दूँगी। हाँ जी जनाब मिर्ची डाल दी है एक चम्मच, नमक एक चम्मच, हल्दी थोड़ी सी जिससे कलर इनका चेंज हो जाए और हरी मिर्चें दो कटिंग करके डाली हैं, तीन प्याज हैं। अब मैं इनका मसाला फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह, जब ये जग जान हो जाएंगे मसाला इनका अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें फलियाँ और आलू डाल के फ्राई कर लूँ जी। बस तो माशाल्लाह देखें जी इस मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है, फलियों का सालन बच्चों ने खाना खा लिया और भाई भी आए थे उनको भी खाना खिला दिया, वो चले गए हैं। अब ये रोटी अहमद के लिए रखी है, अगर उसे भूख लगेगी तो वो खा ले। अच्छी आप तो कपड़े स्पिन करके इधर रखे हुए हैं, इनको अब बस समेटती हूँ मैं, काम मेरा ख़त्म हो गया मैं सारा सारे दिन का। इसी के साथ आज के ब्लॉग का अख्ताम करते हैं जनाब, जहाँ भी रहे खुश रहे, अल्लाह ताला के ईमान में रहे, अल्लाह ताला आपकी नस्लों को शादोबाद रखे जी, आपके दस्तरखान वसी फरमाए, आमीन सुमा आमीन। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें और प्लीज़ 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 प्यारा सा कमेंट्स भी दे दिया करें। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह निगेबान।